मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम। फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। तो आप देख सकते हैं ये पालक है और मैंने इसका पार्ट वन बल्कि पार्ट टू भी इसका मैंने बनाया था। दो पार्ट इसके मैं बना चुका हूँ पालक के। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि मैं इसके सीड्स किस तरीके से लगा रहा हूँ और फिर इसके बाद इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला। तो मैंने इसका पार्ट टू बनाया और उसमें आपको मैंने बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे से जो है ना ये पालक उगी। और अब मैं इसका पार्ट थ्री बना रहा हूँ पालक का और अब मैं इससे हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ। तो पालक की ये हार्वेस्टिंग है बहुत ही सिंपल है, बस आपको कैंची उठानी है और साइडों से पकड़ के, ये आप देख सकते हैं नीचे आपको रूट्स नज़र आ रही होगी, तो बिल्कुल रूट्स से आपको इसको नहीं काटना है बल्कि ऊपर कुछ डंडियाँ दिख रही होगी उस डंडी से आपको इसे काटना है। तो डंडियों से पकड़ के इसको जिस तरह आप काटेंगे और इस तरह से ऊपर ऊपर से आप इसे काटेंगे। और ये बेबी पालक है, मतलब छोटे पत्तों वाली पालक है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है ग्रोथ हुई है। और अब मैं इसे इसकी हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो अब गर्मियों का सीज़न है, आप भी गर्मियों के सीज़न में पालक लगाएं और इसकी हार्वेस्टिंग करें। और अब रमज़ान शरीफ आ गया है तो इस पालक की हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। अब चूंकि ये तादाद में कम है, क्योंकि मैंने इसको 8 इंच के पॉट में लगाया था, तो सब्ज़ी तो इसकी बनाने से रहा मैं, सब्ज़ी बनाने के लिए ज़्यादा पालक चाहिए होती है। तो ये एक गड्ढी जितनी पालक है, तो मैं इसकी जो है सब्ज़ी तो नहीं बनाऊँगा, रमज़ान शरीफ आ चुका है, तो इसे मैं पकौड़े बनाने में इस्तेमाल करूँगा। जी हाँ, आपको मालूम ही होगा पालक के पकौड़े बनते हैं और खाने में तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये पालक मैंने हार्वेस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं कुछ उड़ रही है नीचे और कुछ ये पालक है। एक गड्ढी जितनी पालक मैंने हार्वेस्ट कर लिया और बस इसे हार्वेस्ट करने के बाद आपको इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, आपको इसमें इसको पानी दे के साइड पर रख देना है। और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी मिला लेता हूँ ताकि ये हल्दी जो है फंगस को भगाने का काम करेगी और थोड़ा सा ये एज़ा फर्टिलाइज़र भी काम करेगी और इससे पालक में मज़ीद और अच्छी सी ग्रोथ होगी। हल्दी मैंने डाल दी है इसमें और ये शावर है, शावर से इसको मैं पानी दूंगा। आप देख सकते हैं शावर से आप इसको पानी दे दें इस तरीके से, और 3 मरतबा आप इसे हार्वेस्ट कर सकेंगे। अब फर्स्ट टाइम मैंने इसकी हार्वेस्ट की है, अब सेकंड टाइम इसकी ग्रोथ अब बहुत तेज़ी से होगी और बहुत ही फास्ट इसकी ग्रोथ होने वाली है। और 15 से 20 दिन में मुझे जितनी मैंने अभी हार्वेस्ट की है इसकी दुगना तिगना मुझे हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो कैसी लगी मेरी ये पालक की हार्वेस्टिंग की वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं इस तरह से अच्छी अच्छी और न्यू से न्यू टेक्निक वाली वीडियो लाता रहता हूँ। न्यू न्यू वैरायटी, न्यू न्यू सब्जियाँ, फूल फल सब किस्म की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप अच्छी से अच्छी वीडियो देख सकें। चले, अल्लाह हाफिज़।